टीआरएस कॉलेज के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर स्मृति शर्मा की पुस्तक आत्मबोध के आयाम का लोकार्पण किया गया। टीआरएस कॉलेज के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर स्मृति शर्मा की पुस्तक आत्मबोध के आयाम का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह का आयोजन सरस्वती वंदना से किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए डॉक्टर स्मृति शर्मा को याद किया गया। असमय काल के गाल में समा जाने वाली डॉक्टर स्मृति आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें पुस्तक के रूप में आज हमारे आपके बीच हैं। मैं आग्रह करती हूँ हमारे नियंत्रक महोदय, हमारे आत्मबोध के आयाम, ये स्मृति की, स्मृति शर्मा के अथक परिश्रम से उन्होंने जो शोध कार्य किया है और उस पे उनके पिताजी का परिश्रम भी समाहित हो गया, तब उसने रूप लिया जिसने आत्मबोध के आयाम नाम से ये रूप प्राप्त किया है। और ये जो इसका टाइटल है, जो शीर्षक है आत्मबोध, तो निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ने में आत्मबोध हमें अपने को जानने का समय समय पर अवसर मिलता है। और मैंने भी थोड़ी सी ये पुस्तक पढ़ी है, थोड़ी तो नहीं लेकिन एक बहुत अच्छी पुस्तक है और इस पर निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर काम किया है और बहुत इस पर शोध किया गया है, क्योंकि तो अनाहत नाद पर काम करना सहज विषय नहीं है। आहत नाद पर तो सभी ने काम किया है, संगीत के विभिन्न आयाम में, बंगली संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, नृत्य में, लेकिन जो विषय ये है अनाहत नाद का संगीत में जो स्थान है और उसने इस पुस्तक का रूप लिया है, तो यह कार्य बहुत ही कठिन सा प्रतीत होता है जिसको स्मृति शर्मा ने अपनी मेहनत से सजीव रूप दिया है। और मैं उनके पिताजी को बहुत साधुवाद देती हूँ।